दिल्ली के संगम बिहार की रहने वाली 21 साल की एक युवती राविया, जो कि सिविल डिफेंस सर्विस में थी, उसकी हत्या बीती 26 अगस्त की रात को सूरजकुंड इलाके में कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि उसकी हत्या चाकू से 50 बार वार करके की गई थी। घटना के बाद से ही युवती को इंसाफ दिलाने के लिए कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार पर नागरिक एकता समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें मृतिका के परिजन को सरकारी नौकरी और करोड़ रुपए देने के साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई है। आज हम लोग हमारे संगठन की ओर से, नागरिक एकता समिति की ओर से, दिल्ली के संगम बिहार में साबिया सेवी के साथ जो दुराचार का मामला हुआ है, 50 से अधिक जगहों से उनको काट के हत्या कर दी गई है उनके, उसके संबंध में लेकर हमने आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने मांग की है दोषियों को पकड़ कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो हमारे देश के लिए मिसाल बने, और उनके परिवार को किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए और प्लस 1 करोड़ रुपये का उनको मुआवजा दिया जाए।